केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल अब अपनी बहन और बहन के पति को नष्ट नाबूद करेंगी राजनीति में। फैसला कर लिया है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी करके दम लूंगी और कहा है गैंग साफ गुजरात का सफाया करके रहूंगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और दोबारा मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के खास लोगों में वह शुमार की गई हैं। अब की बार उन्हें चुनाव जीतने नहीं दूंगी, यानी अपनी सगी बहन के लिए पल्लवी पटेल तैयार हो गई हैं। अनुप्रिया पटेल और उनके पति जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिनिस्टर हैं, दोनों लोगों के सफाया करने के लिए कृत संकल्पित हैं। महिलाएं जब निर्णय ले लेती हैं गलत चाहे सही तो उस पर अडिग रहती हैं। राजनीति का ऐसा तकाजा कि तमाम परिवारों में पति पत्नी में दुराव हुआ, बच्चों में और पिता में दुराव हुआ, भाई भाई में इस तरह से कटाकट हुई और यह सब खेल कोई नया नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जो पटेल परिवार में, सोनेलाल पटेल के परिवार में इस तरह से जो हो रहा है वह अब एक नए अध्याय का सृजन हो रहा है। और दोस्तों बताते चलें, कृष्णा पटेल इनकी माँ हैं और कृष्णा पटेल अपना दल कमेराबादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके पतिदेव थे सोनेलाल पटेल, जिनकी 2012 में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपना दल बनाया था और इसके बाद परिवार में विघटन की स्थिति हो गई। सबसे बड़ी हैं पल्लवी पटेल और उनके पति हैं निरंजन पटेल। पल्लवी पटेल के ऊपर आरोप है कि पल्लवी पटेल ने कानपुर का उनका जो साम्राज्य था उसे अपने नाम करा लिया। अनुप्रिया पटेल के बारे में पल्लवी पटेल का कहना है कि यह बहुत सातिर है और इसने हमारे पिता के नाम को भुनाया है और लाश पर राजनीति किया है। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल का भी यह कहना है कि पल्लवी पटेल किसी भी तरह से अपने पिता की अच्छी संतान नहीं हो सकती और इन्होंने भी राजनीति किया है पिता की लाश पर। अब माँ है कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल के साथ और अमन पटेल हैं अनुप्रिया पटेल के साथ। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मिनिस्टर हैं दोबारा और पल्लवी पटेल का राजनीतिक प्रादुर्भाव वर्चस्व पर तब आया जब इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हरा करके विधानसभा में 2022 में सिराथू की विधानसभा सीट पर कब्जा कर लिया। अखिलेश यादव की टीम में इनका मान सम्मान बढ़ा और फिर ये एक बड़ी नेता के रूप में शुमार हो गई। आदित्यनाथ योगी की यात्रा में भी उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर के उन्होंने बयान दिया और उनके साथ भी गुटुरगु हो गई। अब यह गठबंधन जो पीडीए गठबंधन है उसके साथ शामिल हो गई हैं, यानी अखिलेश यादव यह भी पीडीए पर बात करती हैं। अब अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा संकट यह पैदा हो गया है कि इन्होंने कहा कि हमें लोकसभा में 7 सीट चाहिए। पहले 7 सीट की मांग किया, यानी हमारे लोकसभा की 7 सीटों पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पटेल बाहुल्य ऐसी सीटों पर हमारा वर्चस्व है और हम चुनाव लड़ेंगे। हम आपको अपनी जातीय वोटों को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके एवज में हमें चाहिए। बताते हैं कि बांदा, मिर्जापुर, चंदौली, प्रतापगढ़, बाराबंकी, फूलपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जैसी सीटों पर कुर्मी बाहुल्य वोटों का दबदबा है और कुल यह वोट 6% बताए जाते हैं। पल्लवी की बहन अनुप्रिया जो केंद्रीय मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल योगी सरकार के मिनिस्टर हैं। एक तो उनके खिलाफ जनमानस इसलिए भी है कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया। मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहीं और उनके पतिदेव मिनिस्टर हैं, जो समाज की अपेक्षाएं थी उस पर यह लोग खरा नहीं उतर पाए। अमन पटेल जो सबसे छोटी बहन है, उन्होंने यह कहा था कि पल्लवी पटेल हमारी माँ के लिए खतरा पैदा हो गई हैं और कभी भी हमारे माँ के साथ कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने DM इत्यादि से मिल करके और DGP को पत्र भेज करके मिल करके सुरक्षा की मांग किया था और कहा कि इन्हें सुरक्षा प्रदान कराया जाए। अब आगे क्या होगा, 3 सीटें
जिस पर इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दिया है। यह तीन सीटें काफ़ी महत्व की हैं और तीनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कह करके अखिलेश यादव को चौंका दिया है। और यह तीनों सीटें यदि देखा जाए तो कौशाम्बी है, फूलपुर है, मिर्जापुर है। कौशाम्बी, फूलपुर और मिर्जापुर, मिर्जापुर से स्वयं उनकी बहन यानी छोटी बहन अनुप्रिया पटेल वहाँ से सांसद हैं। यदि पल्लवी पटेल उतरती हैं मैदान में तो अनुप्रिया पटेल का हारना तय है। यदि पल्लवी पटेल उतारती हैं अपना प्रत्याशी तो भी उनके लिए खतरा पैदा होगा। यदि अपना प्रत्याशी और अपने ही समाज के किसी नेता को लोकसभा का टिकट देती हैं तो अनुप्रिया पटेल के लिए काफ़ी खतरा होगा। और इन तीनों सीटों पर, फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी पर यदि इनके प्रत्याशी उतरते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के लिए भी खतरा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खतरा होगा ही। ऐसे में अखिलेश यादव से जो इनकी अनबन चल रही है और अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि हम इतनी सीटों पर इन्हें नहीं दे सकते, कैंडिडेट इनके हम सहमति के आधार पर इतनी सीटें हम इन्हें नहीं दे सकते, लेकिन यह अडिग हैं कि हम तीन सीटों पर तो लड़ेंगे ही, अपने प्रत्याशी उतारेंगे और हम इस प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, हमें तीन सीटों पर अधिकृत किया जाए। अब यह रहा सोनेलाल पटेल के मृत्यु के बाद जो परिवार में इस प्रकार की विसंगतियाँ आई और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अलग अलग सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि दोनों मनाती हैं और दोनों में ही लोग जाते हैं। यदि देखा जाए तो अब पल्लवी पटेल भी इनके स्तर को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इन्होंने पछाड़ कर केशव प्रसाद मौर्य को पछाड़ करके अपना लोहा मनवाया और केशव बाबू उसके बाद भले ही डिप्टी सीएम फिर से बन गए लेकिन हारे तो। पल्लवी पटेल एक अच्छी वक्ता भी हैं और अनुप्रिया पटेल भी पढ़ी लिखी हैं, मोदी जी के साथ केंद्रीय मंत्री हैं। देखना होगा कि अब समय कम है, ऐसे में किस प्रकार का समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन में इन्हें पल्लवी पटेल के साथ किस प्रकार लोग समझौता करते हैं तो समय ही बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चिंता का विषय है कि पल्लवी पटेल ने तीनों सीटों पर कब्जा ठोक दिया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।